त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से रियासत के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर कड़े इंतजाम के बीच वोटिंग हुई। ये वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चली। वाजह हो कि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। विधानसभा चुनाव में 31 खवातीन समेत कुल 259 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वोटिंग के दौरान पुलिस के जरिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं इस बीच CEC दफ्तर की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद त्रिपुरा कांग्रेस और भाजपा को उनके अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किए गए अपने हक में वोट की अपील के लिए नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ओर से सरकार बनाए जाने को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साबिक गवर्नर के रोल पर सवाल उठाया है। अदालत ने भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा कि आखिर गवर्नर कैसे राजनीति में दखल दे सकते हैं, वह कैसे राजनीतिक इत्तेहाद और सरकार बनने को लेकर तबसरा कर सकते हैं। अदालत ने ये बयान महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ओर से सरकार बनाए जाने को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने कहा, आखिर गवर्नर ऐसे मामलों में क्यों बोलता है, वह सरकार के गठन पर कैसे बात कर सकता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक गवर्नर को राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। फिलहाल अदालत में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि शिवसेना से बगावत करके भाजपा संघ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे के हिमायती विधायकों को नाअहल करार दिया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि दोनों में से किस गुट को शिवसेना का तीर धनुष का सिंबल दिया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश की। यहाँ मौजूद मेहमानों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कलाकारों के रंगारंग प्रोग्राम का भी लुत्फ उठाया। वहीं इस दौरान PM मोदी ने आवाम को खताब कर कहा कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य मोदी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहां एक बात नोट की थी। वहां आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनाने में प्राथमिकता नहीं थी। अब सोचिए, जब आदिवासी बच्चा साइंस ही नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता। इस चुनौती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में साइंस की पढ़ाई का इंतजाम करके किया। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये मेरी प्राथमिकता है। आज देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे।
समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार और यूपी सरकार उनके कत्ल की साजिश करने वालों के साथ है। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई? एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख, तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख, तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं, दो दो बार दे दिया है। मुल्क और समाज के तहफ्फुज के लिए जारी शरीयत तंजीम की बेदारी तहरीक इख्तिताम पजीर हुई। ये तहरीक बिहार के बटिया से शुरू हुई और झारखंड के जामताड़ा में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस के बाद इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर साबिक सांसद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने कॉन्फ्रेंस को खताब किया। मौलाना बलियावी ने लोगों से शराब, जुआ, छूट, दहेज की मांग जैसे खतरनाक वायरस से बचने की अपील की। ये जो खड़े हैं वो भी बताएं, खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? 118 टोटल पंचायत है जामताड़ा में। मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो तो मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कह रहा? अरे कभी तो मेरे आलिम के बजाय उनसे भी हिसाब मांगो जिनको लीडर माने हो। जनाब आप क्या कर रहे हो? और मेरे आलिमों पर ताना के पत्थर मारने वालों, प्रोफेसरों की डॉक्टर सुनो, तुमने अपने मोहल्ले के किसी एक बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया, लेकिन हमें फख्र है कि मेरे आलिमों ने भीख मांगकर गांव गांव के बच्चे को हाफिज और आलिम बनाकर था। ये छोटा काम किया है क्या? इतने लोग चाहते हो, जरा हाथ उठा दो, उठाए स्टेज वाले लेंगे क्या? जोर से हाथ उठा के ना, मुझसे रिसालत के लिए अगर जेल चलना पड़े तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे, चलेंगे। याद रखो, हमारे जिस्म की कोई कीमत नहीं है रे। भले अपने गांव की कोठी, हवेली, मकानों से नहीं पहचाने जाते, हम तो दुनिया में पहचाने जाते हैं मदीने के मुस्तफा के हवाले से, इमाम के। पूछता हूं कि क्या आप चाहते हो कि जहेज, डीजे, बाजा खत्म होना चाहिए? चाहिए डीजे, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। जब से डीजे आया है तब से हार्ट का बीमारी पैदा हो। डीजे, बाजा, शराब, नकदी खत्म होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली हज कमेटी का कंट्रोल निकल गया है। बीजेपी की कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की नई सदर बन गई है।
बीते महीने सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर एतराज जताया था कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बिना सरकार से सलाह मशवरा किए दिल्ली हज कमेटी के सदस्य मुकर्रर कर दिए। दिल्ली हज कमेटी सदर के लिए आज चुनाव हुआ, जिसमें 3-2 के बहुमत से बीजेपी की कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की सदर चुनी गई हैं।